आणि आता एक इंटरेस्टिंग बातमी. आपला मोबाईल चोरीला गेला तर आपण काय करतो? जास्तीत जास्त पोलिसात जाऊन NC दाखल करतो. मात्र आपला चोरी गेलेला मोबाईल पोलीस नाही तर आपण स्वतः देखील शोधू शकतो, यावर तुमचा विश्वास बसेल का? अंधेरीतल्या मरोळ परिसरातील 19 वर्षीय झीनत हक या मुलीनं स्वतःचा चोरलेला मोबाईल स्वतःच शोधून काढलेला आहे. चोराचा पर्दाफाश केलाय. पोलिसांप्रमाणे तपास करत तिने तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोराच्या मुसक्या अवघ्या 24 तासात आवळल्या. बाकी के लोग जो है वो एक बार मोबाइल गुम होने के बाद चुप बैठते हैं, पुलिस में जाके इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस भी अगर उनका मन रहेगा तो ढूंढते हैं मोबाइल या फिर छोड़ देते हैं. तो आपको कैसे पता चला कि आपका मोबाइल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे है? आपने कौन सा फीचर यूज़ किया? एक्चुअली सर, जो मेरा रेडमी का फ़ोन था जो लॉस्ट हुआ था, उसका जीमेल का जो अकाउंट होता है, मैंने अपने ये वाले फ़ोन में डाला, लॉगिन किया उसे, एंड उसका मेरा प्रोफाइल ऊपर हुआ तो वहाँ पर फाइंड माई फ़ोन करके एक ऑप्शन है, मैंने वहाँ टिक किया तो मेरा जो फ़ोन का उस फ़ोन का जो लोकेशन था मुझे यहाँ शो कर रहा था. तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि फ़ोन तो ऑन है, उसका लोकेशन मलाट के एरिया में बता रहा है. तो फिर मुझे उस वक्त कि नहीं, मेरा फ़ोन चल रहा है किसी के पास. तो फिर मैंने वहाँ पर एक और एक ऑप्शन है माई एक्टिविटीज़, तो मैंने जब वहाँ पर क्लिक किया तो मुझे उसने जो जो एक्टिविटीज़ किया, जैसे कि उसने शेयरिट यूज़ किया, व्हाट्सअप यूज़ किया, उसने फेसबुक यूज़ किया, रजनीकांत सर के जो काला मूवी के सॉन्ग्स है वीडियो उसने यूट्यूब पे वो सब देखा, वो सब मुझे मालूम पड़ा. इवन उसने टिकट्स निकाले थे जो कि उसने ट्रेन का ऐप विजिट किया था प्ले स्टोर में और वहाँ से टिकट्स उसने बाय किए थे, तो मुझे वो टिकट्स के फ़ोटोज़ सब मिले, एंड प्लस उसने सेल्फी लिया था वो सब मुझे मिली. तो उस तरीके से मुझे एक हुआ कि चलो अब मिल गया फ़ोन करके. तो फिर मैंने जो उसकी जो टिकट्स की फ़ोटो मिले तो उससे मैंने PNR जो नंबर होता है उस पर, तो पहले उसका सीट नंबर एंड ऑल थिंग्स था, ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, दादर से वो कुछ तमिलनाडु शत के जा रही थी चेन्नई, देन सब कुछ जब मुझे मिला तो फिर मैंने PNR नंबर जो होता है मैंने नेट पर सर्च किया, तो उससे मुझे उस ट्रेन का टाइमिंग मिला, बिकॉज टाइमिंग अभी तक मुझे मिला नहीं था. तो उस ट्रेन का टाइमिंग 9:30 का था, तो मैं घर से 8 बजे दादर के लिए निकली और फिर मैंने रास्ते में उसका लोकेशन ट्रैक कर ही रही थी कि कहाँ पहुँचा है कहाँ पहुँचा है. तो वो बता रहा था कि कस्तूरबा रोड पे पहुँचा है, तो दादर के ब्रिज पे पहुँचा है. मतलब इस पूरे वाकया में आपने एक भी बार पुलिस से एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया, ये जो सब है वो खुद बे खुद किया? यस सर, मैंने ये सब तो खुद से किया. जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया अपना कि दादर स्टेशन जो स्टेशन है वहाँ पर पहुँची, क्योंकि मुझे ट्रेन का सब मालूम पड़ा. तो मैं वहाँ पहुँची स्टेशन पे, तो वहाँ पर मुझे पुलिस वाले अंकल मिले, उनका सर ने मिस्त्री है, उन्होंने बहुत हेल्प किया. कुछ लोगों को जब फ़ोन घूमता है तो सबको ये लगता है सिम कार्ड इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉल करें तो सिम कार्ड स्विच ऑफ बताता, तो नहीं मिलेगा. बट मेरा ये कहना है कि सिम कार्ड गया तो गया, लेकिन जो तुम्हारा गूगल के अंदर अकाउंट होता है वो अगर है तो तुम्हारा फ़ोन सेफ है तब तक का. अगर वो अकाउंट ही डिलीट हो गया तो नहीं हो पाएगा. तुम जाके सर्च करो किसी और डिवाइस से करो, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, साइबर कैफे में जो नियर होता है तुम्हें उस चीज़ को लेके सर्च करो तो फ़ोन मिलने के चांसेस हैं. कैमरामैन अनिल संगरे से अक्षय भाटकर, ABP माझा, मुंबई.